आप तो फिर ये उदास ही उस जमाने के लोग बच्चे को दाखिल कराने वास्ते छोटा बच्चा थे ज्यादा उम्र के फासे थे सर बिल्कुल से कभी ना रह के नहीं सी आला मजबूर रह गए थे घट लिफा दी थी लेकिन मेरे वाले साहब ने तरीका ऐसी कि साले जो जो भी पैदा होया कुरान पाक के आखिर ते वो उसकी तारीख पैदाइश लिखते थे सर। अस्सलाम वालेकुम अकमल शहजाद घुमन ताड़ी खिदमत विच हाजिर अज असी एक ऐसी शख्सियत नाल मिल रहे हैं जिहड़ी कि हमा जहत शख्सियत ने और बड़े घट लोग होंगे ने कि जिन्हां नूं सारी उम्र एक जिहड़ा वो मेन स्ट्रीम दे विच रहिंदे ने उन्हां दा नाम जिहड़ा वो हमेशा उतली लिस्ट विच रहिंदा है और एक इलमी अदबी शख्सियत ने ते ऐ उन्हां दा पहला इंटरव्यू है जिहड़ा पंजाबी दे विच ने ये ने जनाब फतेह मुहम्मद मलिक साहब मलिक साहब जिहड़े ने मैं चूंकि खुद बुनियादी तौर पर पंजाबी लिखण पढ़न वाला बंदा ते मैं वो इन बारे सुनया सी जी कि पंजाबी दे खिलाफ ने ये वो जो मेरी किताब आई मीडिया मंडी ते मेरी बड़ी सादत और मैं समझना कि मेरी बड़ी इज्जत अफजाई है कि मलिक साहब के बेटे प्रोफेसर तहर मलिक ने मेरे नाल राबता किया ते मलिक साहब ने गालबन होकर किताब पढ़ी सी इन्हां चो मिलन की ख्वाहिश का इजहार किया मैं फिर इन्हां दे घर इत्थे आया मिलन इस्लामाबाद ते मैनू कहिंदे ने मलिक साहब के मैनू इंज लगता है कि तुसीं किसी पिंड दे जम पा लो मैं कहिंदा बिल्कुल कोई शक ही नहीं तो मलिक साहब मेरे नाल बड़ी बारी मुलाकातों दे विच पंजाबी दे विच गलबात की और इन्नी मुहब्बत और अनायत ये करते हैं कि एक दिन मिलन मेरे घर भी चले गए तो मैं तो इन्हों अपना बजुर्ग और वड्डा समझना तो मैं कहा कि अज जिहड़ा ये इंटरव्यू इन्हां दी बेशुमार गुफ्तगू होएगी जिहड़ी उर्दू विच होएगी क्योंकि बड़ा तहकीकी अदबी और जिहड़ा इन्हां काम कीता है किताबां इन्हां दीआं बहुत ने और एक लंबा हवाला है इन्हां दा ते मैं कहा कि अज जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा इंटरव्यू है वह असी पंजाबी च करांगे ते मलिक साहब बहुत शुक्रिया तुसीं कि टाइम दित्ता तुसीं अज शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं इज्जत अफजाई कीती तशरीफ लिया है मलिक साहब असी रवायती इंटरव्यू जाहरे करांगे मीडिया मंडी वाला इंटरव्यू नहीं होएगा ते ऐ जरा फरमाओ कि तुसी कदों ते किथे पैदा होए मैं अजकल तो चकवाल जिला कहलाता लेकिन जो मैं पैदा होया तो उस वे कैमलपुर जिला सी तहसील तलागंग सी ते तलागंग शहर तो कोई दो पौने दो मील के फासले ते एक पिंड है टेई पिंड केड़ा नाम जी ओ सदा जरा औखा टेई टेई अच्छा ते ओ मेरे ख्याल है कि बहुत खुशकिस्मती कि भाई वो दो मिनट फासले ते हाई स्कूल से साढ़े पिंड विच ही मिडल स्कूल से खुद वाले साहब मेरे उस मिडल स्कूल विच उस्ताद सन ते उत्थे पढ़िया फिर तरागंज पढ़िया फिर उत्थो फारग हो के कैमलपुर कॉलेज च आ गए ते इस तरह इब्तदाई जिहड़ा दौर है वो इन्हां इदारियां नाल वाबस्तगी और इक्तसाब इन्हां तो कीता ते मलिक साहब तारीख पैदाइश की है कदों पैदा हो 1936 अच्छा वो जून मेरे ख्याल 18 जून 1936 बिल्कुल सही चूंकि तुहाडे वाले साहब टीचर सन तो ताड़ी तारीख पैदाइश भी बिल्कुल सही लिखवाई होगी आप तौर पर यह होता सी उस जमाने के लोग बच्चे को दाखिल कराने वास्ते छोटा बच्चा तो ज्यादा उम्र रखवा देते सर तो कभी ना रह के नहीं सी आता मजबूर रह गए तो घट लिखवा दी लेकिन मेरे वाले साहब का तरीका ऐसी कि साले चो जो भी पैदा होया कुरान पाक के आखिर ते ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ 6 ਭਾਈ ਸਾ 1 ਅਪਸ਼ੀਰਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਯਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 5 ਅਸੀਂ ਹਯਾਤ ਤੇ
थोड़ी बहुत जी जमीन है उस काम करते करा देने दे, अपनी पेंशन से गुजारा करते पिंड जिस तरह होता जी इतने दे एक मेरा मेरा एयरफोर्स तो रिटायर होके तो हूँ अजक इतने एक एफेट है उस विच उसका अपना घर है तो अपना एक उसका गैसट हाउस है जरा सरकारी गैसट हाउस है तनहा गैसट हाउस है सी डी ए दे कवानीन के मुताबिक ज बनया वो उन्होंने बनाया वो उन्होंने दिता किसी को किराए से तो पेंशन तो उस अपना ऐश कर दिया उस किराए से बिल्कुल सही बहुत ज्यादा बल्कि अजीब गल मुस्लिम अक्सरियत का इलाका साडा ग्राम भी बाकी ग्राम की तरह मुसलमान की अक्सरियत ज़रात पेशा सारे लोग सन लेकिन जमीन ज्यादातर गिरवी सन सिखा ते हिंदुआ को बदीर सन अच्छा साढ़े पिंड कोई छे सत घर सिखा दे सन चार छे हिंदुआ दे सन लेकिन जिस वे तलागंग स्कूल वास्ते असी जाते तो उस वे सारे लोग पैदल ही जाते सन और दूर भी नहीं दो मील फासला से ज्यादा से ज्यादा ते तीन स्टूडेंट वो होंगे सन मैं ते दो होर मुसलमान बाकी सारे हिंदू से बिल्कुल से काफला दा काफला ते उस वेले मतलब कैसा एनवायरनमेंट सी जड़ा है आप इस विच जड़ा हिंदू मुस्लिम या सिख दा कोई बड़ा सोसाइटी किस किस्म दी सी उस वेले ते कोई इस तरह दी गल नहीं सी के कोई मुमकिन मुस्लिम अक्सरियत की वजह नाल होवे या कुछ हिंदू मुसलमान सुनते सा कि शुरू च कोई थोड़ा जहा जे बहुत वड्डे अफसर बन गए हिंदू उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को थोड़ा जहा डरा दिता जाए लेकिन मुसलमानों का रिएक्शन ऐसा सी कि फिर मेरी तो याददाश्त कोई ऐसा वाकया नहीं कि हिंदू मुस्लिम मुनाफरत की गल हुई हो सिर्फ एक गल मैं याद है कि साढ़े घर के करीब मेरा एक क्लास फैलो ओम प्रकाश रहता सी तो ग्राउंड च कच्चे घर से वे वे सेध आते अच्छा उन्होंने सेध असी खेल रहे ओम प्रकाश से मैं वो गेंद इतनी तेजी नाल उसने सटी कि जी खान पकान की जगह होती चौंतरा उससे जा रहे तो मैं उधर खड़ोता सा वो मैं पीछे एक कदम पीछे उठाया तो उस पैर रखा एक उठा ले वो मैं हैरान कि दो चार मिनट खेड बंद हो गए एतराज नहीं किया किसी ना उनके घर के किसी बंदे तुम्हें किया ना ओम प्रकाश ने लेकिन नहीं क्या यार हूँ कल परसों खेड लग गया मैं घर चला गया मैं एक याद है कि वालदा ने पिटाई की थी मैं सॉरी जिंदगी एक है और वो इशाब सी अच्छा वो मैं थप्पड़ पाते जान ते नाल कहेंगे कबख्त है तुम्हें पता नहीं कि उस गरीब औरत वास्ते कितनी मुसीबत तू पा देती अच्छा मैं तो समझ नहीं की मुसीबत पाई मैं तो गेंद चुके अच्छा वो बाद समझाया कि भाई मुसीबत यह है कि तू नापाक कर देता उदा वो चौका हूँ उस बेचारी तद
पका सकती कुछ उससे कि दोबारा लेप करे पूरा। बिल्कुल सही। तो जब तक वो लेप करती जब तक वो नहीं होगा तो वो तो पका ही नहीं सकते। तो पहले मैंने पता लगा कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इस तरह के कुछ इख्तलाफात हैं कि उनका तकद्दस जरा उनके चुके चुली चौके का वो अगर कोई मुसलमान उस कोलो गुजर जाए चौके कोलो तो वो नापाक हो जाता उन्होंने दोबारा उन्होंने पाक करना पड़ता भ्रष्ट हो जाता। और इस तो इलावा मैं कोई वाकई याद नहीं जिस तरह प्रकाश है ना ओदा याद रह गया ते बाकी बहुत अरसे तक याद सर लेकिन कदी कदी कोई याद आ जाता वाक्य हो गए थे अज पे जिसले मैट्रिक वास्ते दाखिल हुए ना गवर्नमेंट कॉलेज तरगांगे ते उस वेले भी साढ़े टीचर जेड़े सर मुसलमान भी सर 47 तक ते सिख भी सर जेतू भी सर नहीं तुसी कह रहे हो कि जदों पाकिस्तान बने तुहाडी उम्र 11 साल से इस तरह होया था कि उस वेले होंदा सी कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती सी पंजवी तो अच्छा साढ़े ग्रां जेड़ा स्कूल सी वो मिडल स्कूल सी लेकिन वर्नैकुलर मिडल स्कूल सी उसे च अंग्रेजी की पढ़ाई जाती तो इस वास्ते जिस बच्चे ने अंग्रेजी पढ़ी वो फिर पंजवी जाके हाई स्कूल दाखिल हो जाता सी क्योंकि उत्थे अंग्रेजी तो शुरू हो जाती सी पंजवी क्लास तो इस वास्ते मैंने भी प्राइमरी खत्म करते ना लेना उत्थे भेज दिता गया ताकि मैं अंग्रेजी पढ़ सकूं।